सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी, जिन्हां दे वल्लों कोरोना दे नाल निजिठण दे लई की कुछ कीता जा रहा है तुहानूं उस बारे जानकारी देंगे। बीजेपी दे लीडरां दे वल्लों कोरोना तो बचण लई भारत दे लोकां नूं किहड़े नुस्खे दसे जा रहे ने तुहानूं उह वी दसणे बहुत जरूरी ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पिंडां दे सरपंचां दे नाल बैठक करके कुछ वड्डे ऐलान कीते गए ने तुहानूं उह वी दसांगे। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकां दे लई वड्डे ऐलान कीते ने तुहानूं उस बारे जानकारी देंगे। पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का काटो कलेश कित्थों तक पहुँच गया है तुहानूं उह वी दसदे आं। पंजाब दे विच चीकू सीताफल ग्रुप और ठोको ताली ग्रुप के जबरदस्त कॉम्पीटिशन होंदा दिखाई देता है। की है ये कॉम्पीटिशन तुहानू सारा कुछ चंगी तरह समझाने पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो। इस वेले कोरोना के नाल दूजी लहर जी देश दे आई है उस निजिठण मोदी सरकार पूरी दुनिया के पूरी तरह नाकामयाब दसिया जा रहा है। विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी निजी तौर पर निशाने पर लेंदियां दिखाई देंदियां ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों बैठकां दा दौर लगातार जारी है। एक पासे मैडिकल माहिरां दे नाल लगातार गलबात की जा रही है, मीटिंगां कीतियां जा रही ने, सूबियां दे मुख्यमंत्रियां दे नाल भी मीटिंगां करके सूबियां दे हालात जाने जा रहे ने। उधर दूजे पासे हुण जमीनी पद्धर ते की हालात ने ये जानण दे लई हुण जिलियां दे मैजिस्ट्रेटां दे नाल मुलाकातां भारत के प्रधानमंत्री दे वल्लों कीतियां जाण लग पईआं ने। अज 9 जिलियां दे 46 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटां दे नाल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीती गई है। इन्हां मीटिंगां दा मकसद भारतीय सरकार दे वल्लों ये कहा जा रहा है कि जमीनी पद्धर ते असल दे विच की हालात ने अते जिहड़ी नीति भारत सरकार दे वल्लों बनाई गई है कोरोना दे नाल निजिठण दे लई उस दे विच की कुछ सुधार किया जा सकता है। इस दे लई ही जमीनी पद्धर दे हालात नूं जानण दे लई ये मीटिंग प्रधानमंत्री दे वल्लों कीतियां जा रहियां ने। अते इस मीटिंग दे विच वी नरेंद्र मोदी यही सवाल सारे जिला मैजिस्ट्रेटां नूं पुछदे दिखाई दिते। उन्होंने कहा कि पहली गल तां इह कि तुसीं मैनूं इह दसो कि जमीनी पद्धर ते हालात किहो जिहे ने, लोक इस बारे किन्ने क जागरूक ने, जेकर नहीं जागरूक तां सानूं जागरूक करना चाहीदा है, जिहड़ी वी कमी सरकार दी नीति विच है, जो भी कम वध करना चाहीदा है तुसीं सानूं उस बारे जानकारी दिओ, जेकर नीति दे विच कोई बदलाव भी करना है तां तुहानूं दसण दे विच संकोच नहीं करना चाहीदा, बड़े बेझक तरीके दे नाल तुसीं अपनी राय दे सकते हो तां जो भारत सरकार अपनी नीति दे विच चंगे बदलाव करके कोरोना दे नाल निजिठण दे लई अपनी नीति विच होर भी सुधार लिया सके। इस मीटिंग दे विच लगभग सारे ही जिला मैजिस्ट्रेटां दे वल्लों इक्को ही गल ते जोर दिता गया कि इस वेले जेकर कोरोना तो बचना है, केस घटाउणे ने, तां वध तों वध टीकाकरण कीता जाणा चाहीदा है, पर टीकियां दी घाट है, इस करके इस घाट नूं दूर कीता जाणा चाहीदा है। अते इसे बैठक दे विच भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों सारे जिला मैजिस्ट्रेटां नूं इह भरोसा भी दवा दिता गया है कि भारत सरकार टीकियां दी उपलब्धता दे लई जंगी पद्धर ते कम कर रही है अते आउण वाले दिनां दे विच छेती ही टीकियां दी घाट नूं दूर कर दिता जाएगा। इस तरह प्रधानमंत्री दे वल्लों अपनी जिहड़ी नीति बनाई गई है उस दे विच सुधार लिआउण लई लगातार बैठकां दा दौर जारी है। उधर दूजे पासे वैक्सीन दी घाट नूं लै के विरोधी पार्टी कांग्रेस दे वल्लों पूरे देश दे विच मुहिम चलाई गई है। राहुल गांधी भी तिखे वार नरेंद्र मोदी ते करदे दिखाई दिंदे ने, उन्हां दे वल्लों कोई ना कोई नवां पोस्टर जारी कर दिता जांदा है। अज राहुल गांधी ने एक नवां पोस्टर जारी कीता है जिस दे विच लिखिआ गया है कि जिन्नी छेती मोदी कोलों सवाल पुछण ते गिरफ्तार हो जाती है जेकर उन्नी ही आसानी दे नाल वैक्सीन उपलब्ध हो जाती तां कोरोना नाल निजिठण दे विच आसानी होनी सी। कोरोना नूं रोकना चाहीदा है, सवालां नूं नहीं रोकना चाहीदा, यह तिखा वार राहुल गांधी दे वल्लों नरेंद्र मोदी ते कर दिता गया। उधर बीजेपी दे वल्लों भी कांग्रेस पार्टी नूं जवाब दे दिता गया है। कांग्रेस पार्टी ते जवाबी हमला करदिआं बीजेपी दे बुलारे संबित पात्रा ने तां कांग्रेस पार्टी ते एक वड्डा इल्जाम ला दिता। उह कहिंदे ने कि कांग्रेस पार्टी दे वल्लों एक टूल किट तैयार की गई है जिस दे जरिए पूरे देश दे विच अते पूरी दुनिया दे विच नरेंद्र मोदी दे अक्स नूं खराब करन दी कोशिश कांग्रेस पार्टी दे वल्लों की जा रही है। टूल किट की हुंदी है, जदों किसानी अंदोलन दे विच एक लड़की दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं
सपोर्ट करने के लिए एक टूल किट शेयर की गई सी तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया सी। उदों टूल किट काफ़ी ज़्यादा चर्चा के आ गई सी। टूल किट एक दस्तावेज होंदा है, डॉक्यूमेंट होंदा है, जिस दे विच लिखा जाता है कि किसी अंदोलन नूं तुसीं किवें सपोर्ट करना है, की कुछ कर सकते हो। बीजेपी हुण कांग्रेस पार्टी से यह इल्जाम ला रही है कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट जारी कर दिती है कि किवें नरेंद्र मोदी का अक्स पूरी दुनिया के खराब करना है। संबित पात्रा तो यह भी दावा करते हैं कि कुछ विदेशी पत्रकारों के नाल भी कांग्रेस पार्टी का संपर्क है ता जो पूरी दुनिया के नरेंद्र मोदी के अक्स नूं ढा लाई जा सके। इस वेले सारे देश नूं रल के करोना के खिलाफ लड़ना चाहिए है, पर कांग्रेस पार्टी इस दे विच भी सियासत खेड़ती दिखाई दिंदी है। यह वड्डा इल्जाम संबित पात्रा दे वल्लों कांग्रेस पार्टी ते ला दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे आं। हुण तुहानू दसदे आं कि एक पासे प्रधानमंत्री दे वल्लों बैठकां दा दौर लगातार जारी है, उधर दूजे पासे उन्हां दे ही लीडर उन्हां दे साथी भारत दे लोकां नूं करोना तों बचण लई की कुछ सलाहां दिंदे दिखाई दिंदे ने अते किहड़े-किहड़े नुस्खे दसदे दिखाई दिंदे ने। मध्य प्रदेश दे भोपाल तों बीजेपी दे संसद मैंबर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दे वल्लों अज एक नवां खुलासा कीता गया है। उह कहिंदे ने कि मैं गां दा मूत पींदी हां, गऊ मूत्र मैं रोज पींदी हाँ, इस करके मैनू कदे भी करोना नहीं हो सकता। वो दावा करते हैं कि गऊ मूत्र पीण दे नाल जिहड़ा फेफड़ियां दा इनफेक्शन हुंदा है वह कदे भी नहीं हुंदा, इस करके मैनू अजे तक करोना नहीं होया है अते ना ही मैनू करोना हो सकता है। इस करके लोगों नूं भी गऊ मूत्र का सेवन करना चाहीदा है। अपनी उदाहरण दे के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दे वल्लों देश दे लोगों नूं इह सलाह दित्ती जा रही है कि जेकर फेफड़िया इनफेक्शन तो बचना है तो गऊ मूत्र का सेवन किया जाना चाहिए। जेकर गल करिए देश के दे सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तो कुछ दिन पहला उन्हों का भी बयान सामने आया सी कि जी डार्क चॉकलेट होंगी है जेकर तुसी उसनु खाओगे उसका सेवन करोगे तो उस जोड़ा करोना का दबाव होंदा है वह बहुत घट जाता है। उन्होंने वालों भी भारत के लोगों को यह सलाह दी गई सी कि डार्क चॉकलेट खाओ। इस तों इलावा अर्जुन राम मेघ वाल दे वल्लों तां इह सलाह दे दित्ती गई देश दे लोकां नूं कि भाभी जी पापड़ खाया करो। एक पापड़ दी मशहूरी कीती जिसका नां सी भाभी जी पापड़। वह कहिंदे सन कि तुहानूं इह पापड़ खाणा चाहीदा है, जिहड़ा भी भाभी जी पापड़ खाएगा उसनूं कदे भी करोना नहीं हो सकता है। हालांकि बाद विच अर्जुन राम मेघवाल नूं खुद ही करोना हो गया सी। इस तरह देश दे लीडर इस वेले भाजपा संसद मैंबर सीनियर लीडर जिहड़े कि मंत्री ने उह वी अजिही बयान जी अजे नुस्खे भारत के लोगों को दसते दिखाई देते हैं। कुछ बीजेपी के लीडर तो यह भी कह रहे हैं कि गऊ का गोहा शरीर से मलना चाहिए उस करोना भज जाता है, जबकि अपने ही देश के दे मैडिकल माहिर कह चुके हैं कि गोहा शरीर से नहीं मलना चाहिए है, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। पर इसके बावजूद बीजेपी लीडर के वलों अजिही बयानबाजी लगातार जारी है। अगली खबर दे वल वधदे आं जिहड़ी कि पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल जुड़ी हुई है। जेकर बैठकां भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीतियां जा रहियां ने तां बैठकां फार्म हाउस दे विच बैठ के अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी लगातार कीतियां जा रहियां ने। अज उन्हां दे वल्लों पिंडां दे सरपंचां दे नाल बैठक कीती गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए, अते बैठक तों बाद कुछ वड्डे ऐलान भी कर दित्ते गए ने। टीकाकरण ते बहुत जबरदस्त तरीके नाल जोर मुख्यमंत्री दे वल्लों दित्ता गया। ऐलान कर दित्ता कि जिहड़ा पिंड 100% टीकाकरण करवा लेगा, भाव जिस पिंड दे 100% लोग सारे ही लोग टीका लवा लेंगे करोना दा, उसनू 10 लाख रुपए की विशेष ग्रांट पंजाब सरकार दे वल्लों दित्ती जाएगी। सरपंचां नू कुछ विशेष अधिकार भी दिते गए ने, जिवें कि एमरजेंसी के हालात के प्रतिदिन 5000 रुपया सरपंच खर्च सकते ने अते इस दी हद एक दिन 50,000 तक भी पहुँच सकती है जेकर एमरजेंसी हालात ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिंडां दे सरपंचां नूं इह कहा है कि आपो अपने पिंडां दे विच लोकां नूं इस गल लई प्रेरित करो कि वध तों वध टीके लगवाए जाने चाहीदे ने जिन्हां लोकां नूं कोई भरम भुलेखा है, क्योंकि कई तरह दीआं अफवाहां भी पिंडां विच फैलदीआं दिखाई दिंदीआं ने टीके दे विरुद्ध। कैप्टन कहिंदे ने कि लोकां नूं प्रेरित करो, उन्हां नूं वध तों वध जागरूक करो कि टीका लवाउण दे नाल ही करोना तों बचिआ जा सकदा है। इस तरह इह सलाह दित्ती गई है पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पिंडां दे सरपंचां नूं।
उधर दूजे पासे जेकर गल करिए इस मीटिंग दी, इस मीटिंग ते आम आदमी पार्टी दा की कहना है ता तुहानू ओ भी दसना बहुत जरूरी है। आप दे कोटकपुरा तो विधायक कुलतार सिंह संधवा कहिंदे ने कि पंजाब दा मोदी बन गया है कैप्टन, जिवें नरेंद्र मोदी मन की बात अपने मन की बात ही करी जांदे ने, लोकां दी नहीं सुणदे ना ही जमीन ते उतरदे ने, जमीनी हकीकत दा पता नहीं हुंदा। उदां ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने फार्म हाउस दे विच बैठ के सिर्फ अपने ही मन की बात करी जांदे ने, जमीनी पद्धर ते हालात की ने इस बारे कोई भी जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। कुलतार सिंह संधवा कहिंदे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस तो बाहर निकलना चाहिए है अते ओ गल तां पता करनी चाहिए है जिहड़ी इस वेले लोड़ है। जिहड़े टीकाकरण दीआं गल्लां इह करदे ने, पंजाब दे विच टीके ही उपलब्ध नहीं, इह वड्डा हल्ला आम आदमी पार्टी दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बोल दित्ता गया है। जेकर गल करिए टीकाकरण की तां वख-वख जिलियां तों अजिहियां तस्वीरां सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने जिथे वैक्सीन की घाट करके टीकाकरण केंद्र बंद होंदे दिखाई देंदे ने। संगरूर दे विच सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला दे वल्लों एक टीकाकरण मुहिम शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है वैक्सीनेशन जरूर समझदार संगरूर, भाव के संगरूर बहुत समझदार है अते वैक्सीनेशन इत्थे जरूर होवेगी। पर अज ही खबर आई है कि संगरूर दे विच वैक्सीन की घाट के करके टीकाकरण केंद्र बंद होंदे दिखाई देंदे ने। इस तरह वैक्सीन की घाट पूरे देश दे विच रड़कदी दिखाई दिंदी है। जेकर गल कीती जावे पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दी तां उन्हां दे वल्लों अज एक नवां अते बहुत वड्डा कदम चुकिया गया है। वख-वख हस्पतालां दे विचों भावें ओह सरकारी होण भावें प्राइवेट होण लोकां दे वल्लों शिकायतां कीतियां जा रहियां सन, पर लोकां नूं पता नहीं सी कि आखिर शिकायत कीती किस नूं जाणी है। करोना दा माहौल है, हस्पतालां ते दबाअ बहुत ज़्यादा वध गया है, पर अज सेहत मंत्री दे वल्लों अपना परसनल मोबाइल नंबर जारी कर दिता गया है। पंजाब के किसी भी हस्पताल दे विच किसी भी व्यक्ति नू किसी भी तरह की जेकर कोई समस्या आउंदी है तां डायरैक्ट सीधा पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नू फोन लाया जा सकता है। टीवी स्क्रीन ते तुसी बलबीर सिंह सिद्धू का मोबाइल नंबर देख सकते हो जिहड़ा कि 98-726-7-10-10 है। इस फोन नंबर ते तुसी फोन करके अपनी शिकायत दस सकते हो, अपनी समस्या सीधा पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नू दस सकते हो। जेकर तुहानू भी कोई समस्या किसी हस्पताल दे विच आ रही है तुसी इस नंबर नू डायल कर दिओ तां सानू उस बारे अपनी फीडबैक जरूर दिओ कि किसी ने फोन चुकिया है जां फिर नहीं, किसी ने गल कीती है, तुहाडी समस्या हल हुई है। जो भी तुहाडी फीडबैक होएगी वो सानू कमेंट करके जरूर दस्सिओ जां फिर साडे फेसबुक पेज ते तुसी मैसेज भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल ते भी तुसी कमेंट कर सकते हो कि इस मोबाइल नंबर दा तुहानू कोई फायदा होया है जां फिर नहीं। पर सेहत मंत्री दे वल्लों अज एक वड्डा कदम चुकिया गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर गल वड्डे कदम दी कर रहे हां तां दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली दे लोकां लई करोना दे माहौल दे विच चार वड्डे ऐलान कर दिते गए ने, जिन्हां दे विच सब तों पहला ऐलान उन्हां ने इह कीता है कि दिल्ली दे विच 72 लख लोकां दे कोल राशन कार्ड ने। सरकारी राशन जिहड़ा उन्हां नूं दित्ता जांदा है उह घट मुल ते दित्ता जांदा है, थोड़े जिहे ना मात्र पैसे लए जांदे ने। ऐलान कर दिता है उह पैसे भी नहीं लए जाणगे, बिल्कुल मुफ्त राशन दिता जाएगा। इस तो इलावा केंद्र सरकार दे वल्लों भी जो 5 किलो राशन आउंदा है वह भी दिता जाएगा, भाव हुण 72 लख लोकां नू 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन बिल्कुल मुफ्त दिता जाएगा। इस दे नाल ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान कर दिता है कि 72 लख जिन्हां कोल राशन कार्ड ने उन्हां तो इलावा भी बहुत सारे लोग गरीब ने, उन्हां नू भी असीं फ्री राशन देंगे अते गरीबी का सर्टिफिकेट भी दिखाउण की लोड़ नहीं है। कोई तुसीं अपनी आमदन नहीं दसनी है, सिर्फ इन्ना ही कहना है कि मैं गरीब हाँ, मैनू राशन दिओ, दिल्ली सरकार तुहानू राशन देवेगी। इस तों इलावा अगला वड्डा ऐलान यह किया है कि जिन्ना भी लोगों की दिल्ली दे विच करोना दे करके मौत हो गई है दिल्ली सरकार दे वल्लों उन्हां दे परिवारां नू 50,000 रुपया मुआवजा, हरेक जिसकी भी मौत हुई है उसके परिवार को 50,000 रुपया दिता जाएगा। जिस परिवार के कमाने वाला चलिया गया है करोना के करके जिहड़ा कमाऊ सी परिवार का मैंबर उसकी मौत हो गई है तो उसके परिवार के लिए 2500 रुपया पेंशन दिल्ली सरकार के वल्लों लाई जाएगी, 2500 रुपया पेंशन दिती जाएगी। जेकर कोई बच्चा अनाथ हो गया है, जिवें कि माँ प्यो दोनों ही करोना के करके जिन्हां की मौत हो गई है
है जां फिर एक जने की मौत पहला हो गई सी, एक दी कोरोना दे करके हो गई है, जिहड़े बच्चे अनाथ हो गए ने उन्हां नूं 2500 रुपया महीना दिल्ली सरकार पेंशन भी देवेगी बच्चों नूं, अते 25 साल तक उन्हां नूं 2500 पेंशन भी दित्ती जाएगी, अते नाल दी नाल उन्हां दी सारी पढ़ाई दिल्ली सरकार दे वल्लों फ्री करवाई जाएगी। ये वड्डे ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली के लोगों लई कर दिते गए ने। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दस्या कि हुण तुसी पुछोगे कि ऐलान इन्ने वड्डे कर दिते ने, पैसा कित्थों आएगा, इस बारे भी उन्होंने जानकारी दी है। वह कहिंदे ने कि साडी सरकार ईमानदार तरीके नाल काम करती है, असी किसी दे कोल रिश्वत नहीं लेंदे, इस करके फजूल खर्ची भी रोकते हैं, इस करके असी भ्रिष्टाचार नहीं करते, ईमानदारी दे नाल बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है, पैसा लोगों का ही है, बस असी अपनियां जेबां दे विच नहीं पाया अते लोगों नूं ही वापस देण जा रहे हैं, साडा फर्ज बनता है। ये वड्डा दावा अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिता गया है। जेकर दिल्ली सरकार इन्ने वड्डे ऐलान दिल्ली दे विच कर रही है तो पंजाब दे विच कैप्टन सरकार की कर रही है, वह लड़ रही है। पंजाब कांग्रेस दे विच काटो कलेश लगातार वधदा दिखाई दिंदा है। नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ जांच चल पई, प्रगट सिंह नूं धमकी दे दित्ती गई, चरणजीत सिंह चन्नी नूं 3 साल पुराने केस दे विच फसाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, अते हुण हाई कमांड दी एंट्री इह सारे केस दे विच मसले दे विच हो गई है। हरीश रावत दे वल्लों दोनां धिरां नूं फोन ला दित्ते गए ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे धड़े नूं वी, अते जिहड़ा धड़ा इस वेले कैप्टन विरोधी होया फिरदा है उस नूं भी हरीश रावत दे वल्लों फोन ला दिते गए ने, अते सारयां नूं शांत कीता गया है। चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों अज चंडीगढ़ दे विच इक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती जाणी सी, जिस दे विच काफ़ी खुलासियां दी उम्मीद कीती जा रही सी, पर हरीश रावत दा फोन आउण तों बाद चन्नी दे वल्लों उस प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं मुलतवी कर दिता गया, अगे पा दिता गया। उस तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी दे घर कांग्रेस दे लीडरां दी इक गुप्त मीटिंग हुई, जिस दे विच 7 विधायक शामिल होए, 5 मंत्री शामिल ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ MP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 4 ਚੈਲੰਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ठोको ताली ग्रुप बना दिता है। नवजोत सिंह सिद्धू वाला मजिठिया कहें लोग मरी जाते हैं, इन्हों कुर्सी की पई है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रज के भड़ास मजिठिया के वलों कढ़ी गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नवजोत सिंह सिद्धू दियां वो सारियां वीडियोज़ दिखा दित्तियां जिन्हां दे विच वो धार्मिक गुरुआं दे कोल गए सन, जिहड़े जिन्हां विचों अजकल कुछ तो जेल दे विच ने। बापू आसाराम की वीडियो विखा दित्ती, राम रहीम की वीडियो विखा दित्ती, राधे मां की वीडियो विखा दित्ती। इस तों इलावा सोनिया गांधी के पैरां विच पैंदे नवजोत सिंह सिद्धू की वीडियो दिखा के बिक्रम सिंह मजिठिया कहिंदे ने कि जिहड़ा बंदा इन्हां लोकां दे पैरां च डिग सकदा है वह बेअदबी की गल करन दा हकदार भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगली खबर के वल वधदे आ जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी के नाल जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के पटियाला के जिला प्रधान यूथ विंग के जिला प्रधान वरिंदर बिट्टू नूं पुलिस के वलों गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी का यूथ विंग गुस्से दे विच आ गया। अनमोल गगनमान और मीत हेर के वलों पटियाला दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर साधु सिंह धर्मसौत नूं चोर कह दिता गया। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਚੋਰ ਹੈ, ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ? ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।